वेलकम यू ऑल इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट. इस समय तक जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मीन्स व्हाट इज द बेनिफिशियल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ के लाइफ में माइक्रोब्स का क्या यूजफुल रोल है. तो उसके साथ साथ उसी सीक्वेंस में ये भी आता है कि माइक्रोब्स इज यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट. तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि व्हाट इज द सीवेज. इट इज़ द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा. सीवेज का मतलब होता है क्या, कि जो भी वेस्ट वाटर जो सीवर्स में जो फ्लो करता है, ऐसे कह सकते हैं, नालियों में सीवर्स में जो फ्लो करता है उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा भी रहता है और लार्जर अमाउंट में अदर टाइप के मटेरियल्स भी होते हैं, कुछ केमिकल्स भी होते हैं, उसे कहते हैं क्या हम सीवेज. सीवेज और गार्बेज में यही डिफरेंस भी होता है. सीवेज मीन्स लिक्विड वेस्ट मटेरियल एंड गार्बेज मीन्स सॉलिड वेस्ट मटेरियल. तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, व्हाट इज़ द नीड फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज ट्रीटमेंट को ज़रूरत क्यों पड़ती है. ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि वी रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सीवेज वाटर एंड आफ्टर देन इट फ्लो एनी अदर वाटर बॉडीज. पहले हम ट्रीटमेंट का सेंस यही होता है कि पहले हम उसकी इम्प्योरिटीज को बाहर करते हैं, उसके बाद किसी लार्जर वाटर बॉडीज में उसको फ्लो कराते हैं, ताकि जो लार्जर वाटर बॉडीज लाइक द रिवर का वाटर पॉल्यूटेड न हो. सो इट इज़ नीड फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज ट्रीटमेंट्स का मतलब ये होता है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम सीवेज वाटर. उसकी वाटर में जो भी वेस्ट मटेरियल, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, केमिकल फॉर्म में है, जिस भी फॉर्म में प्रेजेंस हैं, उनको उसमें से रिमूव करना बिफोर डिस्चार्जिंग इनसाइड द रिवर वाटर. तो ऑर्गेनिक मैटर एंड पैथोजेनिक माइक्रोब्स उसमें होते हैं, बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द नेचुरल बॉडीज सीवेज इज मेड लेस पॉल्यूटिंग. तो उसके बाद से वह लेस पॉल्यूटिंग हो जाता है. सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. इसके लिए एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है. प्लांट का सेंस यहाँ पर प्लांट मीन्स पौधे से नहीं है, प्लांट का मतलब एक लार्जर एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको उसके थ्रू उसकी ट्रीटिंग की जाती है. गंगा एक्शन प्लान एंड जमुना एक्शन प्लान गवर्नमेंट के थ्रू जो लॉन्च किया गया था, ठीक है, कि गंगा रिवर होली रिवर है इंडिया की और वो पॉल्यूटेड होती जा रही है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू पहले सीवेज को डिस्चार्ज करने से पहले गंगा रिवर में पहले उसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया गया बाई मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर द विच ए लार्ज नंबर ऑफ STPs. सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स विल बी बिल्ड टू ट्रीट द सीवेज बिफोर देयर डिस्चार्ज इन टू द रिवर टू द रिड्यूस देयर पॉल्यूशन. तो ट्रीटमेंट करने के बाद से अगर वाटर को डिस्चार्ज किया जाता है रिवर में, तो निश्चित रूप से वह लेस पॉल्यूटेड होगा. अब आते हैं सीवेज ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन टू स्टेजेस. कैसे यह प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, तो दो इसमें स्टेज होता है. एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक होता है क्या सेकेंडरी ट्रीटमेंट. इसी को हमें समझना है कि ऑलरेडी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड व्हाट इज़ द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि पहले उसके जो लार्जर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम रिमूव कर लेते हैं. इट इज़ द फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द सीवेज. तो इसमें फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है. यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, वाटर सीवेज वाटर इससे पास कराया जाता है, तो जो लार्जर पार्टिकल्स पेबल्स होते हैं या अदर जो है ये लॉक्स होते हैं, लॉक्स के टुकड़े होते स्मॉल पीसेस होते हैं, ये सब इसमें से क्या जाते हैं लीव्स होते हैं, तो ये सब इसमें से पहले ही अलग हो जाते हैं. इट इज़ द फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द सीवेज. फर्स्ट द फ्लोटिंग डेरिफ्स इज रिमूव्ड बाई सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन. तो इसमें आता है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, दो प्रोसेस. यह फिजिकल ट्रीटमेंट में आता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है. सेडिमेंटेशन का मतलब जो और जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वहीं नीचे क्या हो जाते हैं बैठ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है.
हम डायग्राम में देख रहे थे, बेसिक ट्रीटमेंट प्राइमरी स्टेज है यह, और फिर उसके बाद यह सेडिमेंटेशन टैंक है। यहाँ पहले बड़े पार्टिकल्स जो है वैसे ही अलग हो गए, उसके बाद जो बच गए तो हैवी पार्टिकल्स के फार्म में होते हैं, तो आ करके यहाँ पर नीचे जो है सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे की तरफ सेटल्ड हो जाते हैं। ठीक है, देन द ग्रिट सॉयल एंड स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाई द सेडिमेंटेशन। तो जो बच जाता है सॉयल और उसके साथ स्मॉल जो पेबल्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन के बाद आ जाते हैं इधर, उनको जो है हम इसमें से सेटिंग टैंक में हम सेडिमेंट के फार्म में ऑब्टेंड कर लेते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या आया, प्राइमरी ट्रीटमेंट में केवल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। अब आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास इनटू ए लार्ज एरिएशन टैंक, उनको एक एरिएशन टैंक में सेंड किया जाता है। ठीक है, विथ अ कॉन्स्टेंट मैकेनिकल एजाइटेशन एंड एयर सप्लाई, इसमें एयर की सप्लाई होती रहती है। एंड यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो, जब एयर की सप्लाई होती है तो एरोबिक बैक्टीरिया इसके अंदर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। हमें तो यही नहीं पढ़ना है, व्हाट इज द बेनिफिशियल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब एरिएशन टैंक में उस वाटर को, रॉ वाटर को जब सेंड किया जाता है, इसमें कई माइक्रोब्स क्या करते हैं, रैपिडली ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद से फ्लॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी बोर्ड में कई बार वन मार्क में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द फ्लॉक्स। तो फ्लॉक्स आर द मॉसेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट एंड टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर। जब उस रॉ वाटर को प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद से जब सेंड किया जाता है किसमें, एरिएशन टैंक में। ठीक है, अब वहाँ से देखो एरिएशन टैंक से फिर यहाँ पर क्लेरिफाइड में आता है वाटर को, ट्रीटेड वाटर को अदर प्लेस पे सेंड किया जाता है, फिर यहाँ से रिसाइकलिंग किया जाता है, फिर से यहाँ पर वेस्ट और स्लग के फार्म में यहाँ पर नीचे बैठ जाता है, फिर उस स्लग का फिर से ट्रीटमेंट किया जाता है। द ग्रोइंग माइक्रोब्स कंज्यूम द, जब एरिएशन टैंक में सेंड करते हैं तो उसमें जो माइक्रोब्स ग्रो करते हैं तो ज़्यादातर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को वो क्या कर लेते हैं, वो कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि वहाँ ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, डिफिशेंसी हो जाती है। इसी को कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वहाँ का बढ़ जाता है। बीओडी का सेंस क्या है, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मीन्स कि ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स इन एनी वाटर बॉडीज एंड दे कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी वहाँ ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है। वेन बी ओ डी ऑफ सीवेज हैज रिड्यूस, जब बी ओ डी कम हो जाएगी यानी ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो द इफ्लुएंट इज पास इन टू सेटिंग टैंक, उसके बाद से उसको कहाँ पर सेंड किया जाता है, सेटिंग टैंक में। हियर द बैक्टीरिया फ्लॉक्स सेटल एंड सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लग्स। ऐसे यहाँ पर दिया है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का, ठीक है, कि रिड्यूस ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ और माइक्रोब्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए वहाँ पर बैक्टीरिया या अदर माइक्रोब्स ग्रो करते हैं और वहाँ की ऑक्सीजन को पूरा क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ द स्लग, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ द स्लग इज यूज एज इनोकुलम इन द एरिएशन टैंक एंड द रिमेनिंग पार्ट इज पास इनटू द लार्ज टैंक कॉल्ड एरोबिक एन एरोबिक स्लग डाइजेस्टर, एन एरोबिक डाइजेस्टिंग स्लग है यहाँ पर। ठीक है, उसके पहले पढ़े हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद कि उसको हम एरिएशन टैंक में सेंड करते हैं, उसके बाद से हम इसको पास करते हैं किसमें, रिमेनिंग पार्ट इज पास इन लार्ज टैंक कॉल्ड एरोबिक एन एरोबिक स्लग। अब यहाँ पर एन एरोबिक स्लग को डाइजेस्टर में सेंड करते हैं, अब इस वाले प्लेस पर एन एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, यानी दोनों तरह के माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स एनएरोबिकली डाइजेस्ट, अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो एन एरोबिक बैक्टीरिया या माइक्रोब्स ग्रो करते हैं वह उस बैक्टीरिया को, पहले वाले के बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं या कंज्यूम कर लेते हैं। एंड फंजाई इन स्लग प्रोड्यूसिंग द मिक्सर ऑफ गैसेज सच एज द, और इसे गैस का भी फॉर्मेशन होता है जिसे मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बन मोनोऑक्साइड विच फॉर्म द बायो गैस, तो इसका भी अदर प्लेस पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे बायोगैस का फॉर्मेशन भी हो जाता है तो उसका हम एज ए फ्यूल के फार्म में यूज कर लेते हैं। इफ्लुएंट इज नाउ रिलीज इन टू द रिवर एंड स्ट्रीम, तो इस तरह से
गैस जो बाहर निकलती है, इस गैस का आउटलेट्स होता है, उसको जो है हम यूज कर लेते हैं फ्यूल के फॉर्म में, और जो नीचे जो बैठ जाता है डाइजेस्टिव स्लग्स, उसका यूज हम मैन्योर के रूप में भी कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के थ्रू, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और प्राइमरी ट्रीटमेंट के थ्रू, वाटर का, सीवेज वाटर का क्या हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, यानी वह उसमें से जो वाटर के इनसाइड जो माइक्रोब्स थे, माइक्रोब्स के साथ साथ जो अदर जो इम्प्योरिटीज थी उससे क्या हो गई, बाहर हो गई, यानी वह लेस पॉल्यूटेड रह गया। उसके बाद से तब उसको हम सेंड करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं रिवर में। बायोलॉजिकल गैस के डिमांड, इसके पहले भी बताएं कि बीओडी इज द रिपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन वन लीटर ऑफ वाटर इज ऑक्सीडाइज बाई द बैक्टीरिया। बीओडी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन वन लीटर ऑफ वाटर इज ऑक्सीडाइज बाई द बैक्टीरिया। बीओडी मेजर्स, बीओडी के थ्रू हम पॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं। मीन्स मोर अमाउंट में अगर वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंस है तो उसकी बीओडी क्या होगी, उतनी ही हाई होगी। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो माइक्रोब्स ज़्यादा यूज वहाँ पर ग्रो करेंगे और वहाँ के ऑक्सीजन को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर बाई द मेजरिंग द रेट ऑफ द ऑक्सीजन अपटेक बाई द माइक्रोब्स, दस इट इज मेजर द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। इससे भी पता चलता है कि कितना उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, बीओडी से हम चेक कर सकते हैं। हायर बीओडी इंडिकेट द हायर पॉल्यूटेड पोटेंशियल। अगर किसी वाटर बॉडीज की बीओडी बहुत हाई है, इसका मतलब वो क्या है, वाटर पॉल्यूटेड वाटर है। ठीक है, ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। यू हैव एनी डाउट यू कैन कंटेक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम। ओके।